रामगढ़ नाम का एक कस्बा था। आज रात वहाँ भयंकर बारिश हो रही थी। हर कोई अपने घर के अंदर था। कामिनी भी अपने पति सुहन के साथ गहरी नींद में सो रही थी। तभी तूफान से कमरे की खिड़की खुल गई। तेज हवा की झोंकों से खिड़की जोर जोर से दीवार से टकरा रही थी। दोनों की नींद खुल गई। बाहर तूफानी रात थी। सोहन खड़ा होकर खिड़की के बाहर देखने लगा। कामिनी बिस्तर से उतरी और उसने खिड़की बंद की। तूफानी मौसम का लाभ उठाने के लिए उन्होंने एक दूसरे को अपनी बाहों में ले लिया और प्यार करने लगे। अचानक ऐसा लगा जैसे सोहन को किसी ने जोर से धक्का दिया हो। वह जमीन पर गिर गया। उसका सिर जमीन से टकराया और वो बेहोश हो गया। कामिनी भी हड़बड़ा गई कि अचानक यह कैसे हो गया। अभी वह सोच ही रही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। कामिनी बिस्तर पर गिर गई। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वह बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके ऊपर है। किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल दहल रहा था। कामिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कपड़ों को खींच रहा हो और दूसरे ही पल उसका कपड़ा जमीन पर पड़ा था। वह बिना कपड़ों के अपने बिस्तर पर पड़ी थी और कोई अदृश्य शक्ति किसी शातिर शिकारी की तरह उस पर टूट पड़ी। जी क्या केशव जी यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं ही केशव हूँ। आप? जी मेरा नाम कामिनी है। मैं चंदनगढ़ में रहती हूँ। आपके बारे में मुझे मेरे काका मोहनदास ने बताया है। जी बैठिए। जी मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मोहन काका ने बताया है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं हनुमान जी की कृपा से सक्षम हूँ कि कुछ समस्याओं को हल कर सकूँ, लेकिन यह तभी संभव है जब मुझे पूरी बात पता चलेगी और मैं वह स्थान देख पाऊंगा जहां पर समस्या है। उसके बाद ही मैं कह सकता हूं कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊंगा या नहीं। दरअसल बात यह है कि रात को मैं और मेरे पति एक साथ नहीं सो सकते हैं। अगर वह मेरे साथ बिस्तर पर सो जाएं तो रात को उनका पूरा शरीर अकड़ जाता है और कोई उठाकर उन्हें नीचे फेंक देता है, उनका गला दबाने लगता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वह मेरे साथ कमरे में नहीं सो पाते। ऐसा कितने समय से हो रहा है? लगभग 2 महीने से ऐसा हो रहा है। इसलिए मेरे पति दूसरे कमरे में सोते हैं और मैं दूसरे कमरे में। जैसे जैसे रात आने लगती है मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और मेरे शरीर के कपड़े अपने आप एक एक करके हटने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई एक एक करके मेरे कपड़े उतार रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कपड़े उतारते वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे जोरों से पकड़ रखा हो। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, जोर लगा लूँ, लेकिन वह हाथ मुझे इतनी ताकत से पकड़े रहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती। शरीर से सारे कपड़े उतर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे बिस्तर से बांध दिया गया हो। मेरे दोनों हाथ ऊपर की ओर होकर बिस्तर से चिपक जाते हैं और दोनों पैर अपने आप फैल जाते हैं। मैं चाहकर भी उनको हिला नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे उन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद कोई अदृश्य शक्ति जो मुझे दिखाई नहीं देती वह मेरे शरीर से खेलने लगती है।
मेरे वक्ष स्थल पर और शरीर के अन्य अंगों पर बेदर्दी से मसले जाने की अनुभूति होती है। यह काफ़ी देर तक चलता है। दर्द के मारी मेरी चीख निकलना चाहती हैं लेकिन निकल नहीं पाती, क्योंकि मेरा मुंह किसी अज्ञात ताकत से बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे मुंह को दबा दिया हो। उसके बाद वह अदृश्य शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और मेरे शरीर को बुरी तरह झिंझोड़ती है। उसके शरीर का आभास मैं महसूस कर पाती हूँ। किसी साये की तरह वह शक्ति मेरे साथ टकरा रही है, यह मुझे महसूस होता है। मेरे हर अंग को मरोड़े जाने का आभास मुझे होता है। यह सब रात के 12 बजे से शुरू होकर सुबह 4 बजे तक चलता है। मुझे उसी तरह लस्त-पस्त हालत में छोड़कर वह अदृश्य शक्ति गायब हो जाती है। मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं बिस्तर से उठ तक नहीं पाती। सुबह 6 बजे तक उसी प्रकार निर्वस्त्र अवस्था में मैं पड़ी रहती हूँ। 6 बजते बजते फिर मेरे शरीर में ताकत आने लगती है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से शक्ति जुटाकर अपने कपड़े पहनती हूँ और फिर वापस दिन के काम में लग जाती हूँ। आपकी समस्या तो मैंने जान ली, अब मैं वह स्थान देखना चाहता हूँ जहाँ समस्या है। जी, आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। अभी तो मुझे कुछ काम है, आप मुझे अपने घर का पता दे दीजिए, मैं शाम को आपके घर आ जाऊँगा। मैं आपको अपने पति का फ़ोन नंबर दे देती हूँ, आप चंदनगढ़ बस स्टेशन पर आ जाइएगा, हम आपको वहाँ से ले लेंगे। जी हाँ, ये ठीक रहेगा। यही हैं केशव जी, जिनसे मिलने आज मैं गई थी, और ये मेरे पति हैं सोहन जी। कामनी ने आपको अपनी समस्या के बारे में बताया है? जी हाँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन आपकी उम्र देखकर नहीं लग रहा कि आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कई बड़े बड़े लोग इस समस्या से हार कर जा चुके हैं। एक बार मैं समस्या के स्थान को देख लूँ फिर बताऊँगा कि मैं इस समस्या का समाधान कर पाऊँगा या नहीं। चलिए घर चलें। आइए, अंदर आइए। केशव घर के अंदर आया। घर के अंदर पैर रखते ही केशव ठिठक गया। केशव को घर में अजीब सा भारीपन लगा, जो आम तौर से तब होता है जब वहां पर किसी पैशाची शक्ति की उपस्थिति हो। उसने तुरंत आंख बंद करके हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उस मंत्र का उच्चारण होते ही वातावरण के भारीपन में थोड़ी सी कमी महसूस हुई। अब केशव की समझ में आ गया था कि यह किसी प्रकार की प्रेत बाधा है और वह प्रेत कामिनी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, इसीलिए वह प्रेत पति को साथ में नहीं सोने देता है। प्रेत एक बेहद शक्तिशाली पैशाचिक शक्ति है जो आसानी से बस में नहीं आती है। मैं सीधा अपने घर से नहीं आ रहा हूँ, इसलिए मेरे पास अपना तांत्रिक सामग्री वाला झोला नहीं है जिसमें इस प्रकार के कार्यों में काम आने वाली आवश्यक सामग्री रखी होती है। इसलिए इस समय मैं कोई प्रयोग करने की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि यह एक प्रेत बाधा है। अब यह पता लगाना है कि यह प्रेत आया कैसे। प्रेत योनि सामान्य रूप से किसी के ऊपर हावी नहीं होती। हर योनि अपने अपने नियम और सीमाओं में बंधी होती है। सामान्यतः कोई भी योनि अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करती। इस प्रकार के उल्लंघन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो उसे आमंत्रित करे। यह जानने के लिए मेरे पास ध्यान लगाकर जानकारी प्राप्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस प्रेत बाधा को दूर करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक हवन करना पड़ेगा
जो कि अभी रात में संभव नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं कल आकर कर सकता हूं। कितना खर्चा आएगा? 7,000 के आसपास आएगा। और आपका? मैं आपको सब मिलाकर ही बता रहा हूं। मैं आपको सारे सामान की लिस्ट दे दूंगा, सामान आप मंगवा दीजिएगा और पूरा खर्चा इसी सामान का है। यह ऐसी बात है जिसको मैं किसी को बता भी नहीं सकता और सहन भी नहीं कर सकता। इसकी हालत देखकर मैं दुखी हो जाता हूँ। कई बाबाओं के चक्कर काट चुका हूँ, जिसका बड़ा नाम सुनता हूँ उसे दिखाता हूँ, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। इस चक्कर में अभी तक मैं 7 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ, लेकिन समस्या वैसी की वैसी है, इसलिए मुझे जल्दी किसी पर विश्वास नहीं होता। लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। मैं ऐसा कोई वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हनुमान जी की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। मैं एक अलग कमरे में रहना चाहूँगा ताकि ये जो रात को घटनाएं होती हैं उनके तह तक पहुँच सकूँ। जी जरूर। सोहन ने केशव को एक अलग कमरा दे दिया। केशव उस कमरे में चला गया। प्रियत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए केशव ने ध्यान लगाकर कपालिनी को याद किया। कपालिनी एक ऐसी शक्ति होती है जो विभिन्न प्रकार के रहस्यों को जानने और बताने में सक्षम होती है। कपालिनी सूक्ष्म रूप में केशव के सामने प्रकट हुई। केशव ने कपालिनी से उस प्रेत के बारे में जानकारी की इच्छा रखी। कपालिनी ने बताया